आज नेता हमको मंत्री बनाया, कल हमको नेता मंत्री से हटा देगा, तो हम नीतीश कुमार के खिलाफ गाली देने लगेंगे, तब तो मेरा क्या वैल्यू रह जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आपको हम बता दें चुनाव से पहले सभी लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं को अपने अपने नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। इसी बीच अशोक चौधरी जो कि अपने लोगों को समझा रहे हैं कि हमारे नेता का अगर समय बुरा है तो ऐसा नहीं कि आप छोड़ के चले जाइएगा, या फिर हमारे नेता का समय बहुत अच्छा है तो हमारे पास आ जाइएगा, ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी हो जाती है। आपको हम बता दें कि पूरे बिहार झारखंड में टूटती घटनाएं हो रही है, चाहे वो कार्यकर्ता हो या नेता हो, सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं। इसी बीच अपने अपने लोगों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, तो सुनिए अशोक चौधरी तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं। हमने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहाँ भूमिहार का गांव होगा वहाँ सड़क नहीं बनेगा, लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे, कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके अभी हुआ है, काम तो आपके अभी हुआ है। अभिराम शर्मा राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रबंदी जी के लिए। हम लोग जब दरवाजे दरवाजे घूमते थे राजनीति करना है, असूल के साथ राजनीति करिए, राजनीति करना है वजूद के साथ राजनीति करिए, और मुद्दों पर राजनीति करिए। हमारा नेता ने जब निर्णय कर लिया तो हम उस आदमी के साथ खड़े खराब हो चाहे अच्छा, निर्णय का विरोध सिंबल के पहले कर सकते हैं, लेकिन सिंबल लेने के बाद हम निर्णय का विरोध नहीं कर सकते हैं, जिसका मतलब कि आप नेता के अनुशासन से चलते नहीं है। आज नेता हमको मंत्री बनाया, कल हमको नेता मंत्री से हटा देगा, तो हम नीतीश कुमार के खिलाफ गाली देने लगेंगे, तब तो मेरा क्या वैल्यू रह जाएगा। तो जो सिर्फ पाने की राजनीति में नीतीश जी के साथ रहते हैं, वैसे लोगों से भी होशियार रहने की जरूरत है। जीवन भर हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला तो नीतीश जी को हम गाली देने लगे, ऐसे नेता की हम आवश्यकता नहीं है। हमको वैसे कार्यकर्ता चाहिए, वैसे नेता चाहिए जो सुख और दुख सब में नीतीश जी के निर्णय के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। और हम सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहते हैं कि हम भी कोई विदेश के नहीं है, हम भी जहानाबाद लोकसभा के हैं, और जहानाबाद को नस नस हम भी जानते हैं। मेरे पिताजी 52-57 में जहानाबाद से मिले हुए थे, 52-57 में, और कोशिश से मिले हुए थे, तो हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह है भूमिहार से हुआ है, तो और बढ़िया से जानते हैं। तो इसीलिए राजनीति जब करना है, राजनीति अपने जगह पर है, व्यक्तिगत रिश्ते अपने जगह पर है, नेता अपने जगह पर है। जब नेता के साथ है तो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से और पूरा प्यार हम प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास कामयाब नहीं हुआ कोई बात नहीं है, कम से कम हम अपने आंख के सामने लानी तो नहीं महसूस करेंगे कि हमने नेता के निर्णय के साथ खड़े नहीं रहे। जो लोग कलकत्ता दिल्ली मद्रास घूम रहे थे चुनाव में, वो लोग अगर चाहते हैं कि अब हम नेता के कंधा पर करके विधानसभा पार करेंगे, ऐसा गलत बात है। तो आपने सुना किस प्रकार से अशोक चौधरी समझा रहे हैं कि नीतीश कुमार की स्थिति या परिस्थिति जैसी भी हो, हम सभी को उनका मिलकर साथ देना होगा और हमें एकजुट होकर ही रहना है, ऐसा नहीं कि बुरा समय आने के बाद अपने पार्टी को छोड़कर चले जाएं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप, बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रूपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को